यदि मूषक जी इसी वेग से चलते रहे तो हम वैकुंठ समय पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। कैसे होगा उनके बिना लक्ष्मी विष्णु का? धर्म योद्धा गौड़ के 115वें एपिसोड में आप देखेंगे कि विंता कदरू से पहले लक्ष्मी निवास पहुंच जाती है, जिसे देखकर कदरू आश्चर्य में पड़ जाती है। उधर श्री गणेश के वाहन मूषक जी धीमी चाल से वैकुंठ की ओर बढ़ रहे थे, जिसे देख कर गणेश जी कहते हैं, यदि मूषक जी इसी वेग से चलते रहें तो हम वैकुंठ समय पर कैसे पहुंच पाएंगे। धर्म योद्धा गरुड़ के आने वाले एपिसोड में यह देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि क्या अखंड दिया जलने से पहले गणेश जी वैकुंठ पहुंच पाएंगे। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।